हाँ जी, तो थ्री थिंग्स यू नीड टू चेक बिफोर यू पिक अ क्लाइंट फॉर फ्रीलैंसिंग। तो तीन चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं अगर आप फ्रीलैंसिंग के लिए कोई क्लाइंट पिक करने जा रहे हो, सेलेक्ट करने जा रहे हो। ऐसा नहीं रैंडमली किसी भी बिज़नेस को पकड़ा, दिल किया और चल दिए, तो वो वाली चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। क्यों और वो तीन चीज़ें क्या हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है कृष्ण सिंह और आप देख रहे हो ईजी डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है यार इंडस्ट्री एंड बिजनेस मॉडल। इंडस्ट्री का मतलब होता है मे बी आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए मार्केटिंग करना चाहते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, या मे बी आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना चाहते हो स्पेसिफिकली सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए, या सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में भी। तो जितना आप स्पेसिफिक होते हैं, निश डाउन करते हो, उतना बेटर रहता है। ऊपर से बिजनेस मॉडल कैसा है, वो रेवेन्यू कैसे कमाते हैं, बनाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होंगे या अभी प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता, आप बिना कैलकुलेट करे, बिना जज करे और बिना सोचे समझे, बिना बिजनेस मॉडल जाने रैंडमली सिर्फ काम मिल जाए इस चक्कर में क्लाइंट को चेस कर रहे हो, और अगर आपने वो डील क्रैक कर भी ली तो रिटेन करना पॉसिबल नहीं है। जब रिटेन नहीं होगा तो आप फेड अप हो जाओगे कि यार मेरे को मार्केटिंग करनी भी है क्लाइंट्स के लिए या नहीं। तो बिज़नेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, निश डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने निश में ही आपको रहना चाहिए अनटिल अनलेस आप स्केल कर जाओ बहुत ज़्यादा उसमें, उसके बाद दूसरे वर्टिकल में या दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहिए। बिज़नेस मॉडल बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स में बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो बहुत लो टिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। लो टिकट प्रोडक्ट्स में क्या होता है, मान लो 400 रुपये की 300 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं और वो पेड एड से ही रेवेन्यू लाना चाहते हैं, वो SEO पे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना चाहते। अब होता क्या है, पेड एड्स की कॉस्टिंग इतनी आती है कि उनकी जो है बेसिकली वो प्रॉफिटेबल हो नहीं पाते, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। तो जब नहीं हो पाते तो वो क्विट कर देते हैं बहुत सारे। तो आपको लगेगा यार ई कॉमर्स में तो यही दिक्कत है, मैं लो टिकट पे सेल्स तो ला देता हूँ बट थोड़ी महंगी पड़ती है तो लोग क्विट कर देते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर मेरे साथ चले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला रीज़न है कि आपको बिज़नेस मॉडल और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली समझनी पड़ेगी। अब सेल्स भी आप हो सकता है फैशन वाली इंडस्ट्री के ज़्यादा ला पाते हो, बट अगर टेक प्रोडक्ट्स की सेल करने की बात आए लो टिकट में तो आपकी एड्स उस तरीके से आप शायद आपके पास स्ट्रेटजीज़ नहीं है जो सेल्स ला के दे पाएँ, है ना। तो आपको पहले स्पेसिफिकली ये देखना पड़ेगा किसके लिए आप इजीली सेल्स ला पाते हो। रैंडमली इसके लिए बेस्ट अप्रोच है कि आप 3 से 4 इंटरेस्टेड इंडस्ट्रीज़ में, यानी 3 से 4 इंटरेस्टेड इंडस्ट्रीज़ में जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, उनके क्लाइंट्स पिक करो और उनके लिए काम करो, एंड देन फिगर आउट करो किसके लिए सबसे ईजी था और जिसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स और ईजीली रिजल्ट्स आप ला पाए हो, उस तरीके की कैटेगरी के क्लाइंट के साथ आगे जाना शुरू कर दो। दूसरी चीज़ होती है यार स्टेज ऑफ द बिज़नेस, ठीक है। तो मैं इसे अपनी वोकैबुलरी में बोल रहा हूँ, कोई और टर्म में भी इसे डिस्क्राइब करते होंगे बट मैं सिंप्लीफाई सिंपल लैंग्वेज में जो नॉर्मली आप हमको समझ आ जाए। स्टेज ऑफ द बिज़नेस का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि क्या वो स्टार्टअप है, और अगर स्टार्टअप है तो क्या इन्वेस्टर स्पेसिफिकली एंजल इन्वेस्टर या कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है जो उसमें पैसा लगा रहा है, या फिर वो एक बूटस्ट्रैप बिज़नेस है। बूटस्ट्रैप का मतलब है कि जो खुद ही ओनर है जिसने स्टार्ट किया बिज़नेस वही अपना पैसा लगा रहा है। अगर खुद बंदा अपना पैसा लगा रहा है ना तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, 2 से 3 महीने वो मार्केटर पे रिलाय करते हैं, उसके बाद वो रिटेन नहीं करते उस मार्केटर को, उन्हें होता है कि यार सेल्स तो आ नहीं रही क्या फ़ायदा। तो अगर आपको लगता है कि यार आप ही स्टार्टिंग में इंस्टेंटली आप पहले और ही दूसरे महीने में सेल्स ला के नहीं दे सकते, कोई ऐसा बिज़नेस मॉडल आपको लगता है मुश्किल है ये इंडस्ट्री, तो फिर फॉर एग्जांपल सोलार सिस्टम आपको बोले कि कोई पहले महीने पे, या रियल एस्टेट में आपको बोले कि पहले महीने ऐसी लीड जनरेट करो कि 15-20 दिन में मेरे घर बिकने स्टार्ट हो जाए, तो आपको लगता है नहीं यार मैं इतनी जल्दी तो नहीं कर पाऊँगा 1-2 महीने में। तो अगर आपको लगता है ये चीज़ प्रॉब्लम है तो उस इंडस्ट्री को भी मत पकड़ो। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि वो बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट का बिज़नेस या सोलार सिस्टम का बिज़नेस मार्केटिंग में, और उन्होंने अभी अभी अपनी नई वेबसाइट बनाई है और अभी 2-3 महीने में वो पैसा लगा के बोल रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाएंगे, जल्दी सेल्स लाओ, ऐसे केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसे क्लाइंट को रिटेन करना, और वो भी आपके साथ बेसिकली काम नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म में। तो जब ये बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको लगता है कि यार मैं क्या इसके साथ जाऊँ, करनी भी चाहिए मार्केटिंग या नहीं वगैरह। अब इसका थोड़ा रिवर्स भी समझते हैं। अगर बूटस्ट्रैप है तो लोग ज़्यादा टाइम तक पैसे नहीं लगा सकते। वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर है तो वो पैसे लगा रहा होता है, तो बिजनेस ओनर मार्केटिंग और सेल्स में रिस्क ले लेता है थोड़ा 2-3 महीने तक, और अच्छे बजट पे ले लेता है, तो आपकी टेस्टिंग भी हो जाती है अच्छे बजट पे और स्ट्रेटजीज़ काम कर जाती हैं, कुछ ना कुछ तो काम कर ही जाता है बड़े बजट पे, तो आपको पता लग जाता है कि इस चीज़ के साथ मुझे जाना है। तीसरी चीज़, स्टार्टअप्स जो होते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं अगर बूटस्ट्रैप हैं, बट वही स्टार्टअप को अगर इन्वेस्टर मिला हुआ है तो वो ज़्यादा जल्दी रिस्क लेने के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उन्होंने मार्केट बजट ऑलरेडी अलॉट किया होता है।
तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो डायरेक्टली बिजनेस ओनर से, ताकि वो आपके साथ क्लियर रहें। जितना क्लियर रहेंगे आपको भी क्लियर रहेगा, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी भी क्राफ्ट कर पाओगे, आपको भी पता रहेगा कि मुझे इस तरीके के क्लाइंट्स के साथ जाना है या नहीं। तीसरी चीज़ होती है, अगर आप फ्रीलांस के लिए एक क्लाइंट पिक कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि करेंसी डिफरेंस आ रहा है क्या। करेंसी डिफरेंस का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि मान लो कोई फॉरेन क्लाइंट आपने पकड़ा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया, नाम्बिया नहीं ले रहा वैसे, मज़ा कर रहा हूँ, या फिर कोई भी फ्रांस, कहीं से भी अच्छी प्रीमियम कंट्री से, ठीक है, आपने क्लाइंट पकड़ा और वो ऑपरेशन आपको, आप इंडिया में हो और वो आप अपने ऑपरेशंस जो है मार्केटिंग के वो इंडिया में रन करना चाहता है, बेसिकली आपको आउटसोर्स कर रहा है काम, तो क्योंकि करेंसी डिफरेंस है वो आपको 3-6 महीने तक रिटेन कर सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं। स्टिल कुछ कन्वर्जन आनी चाहिए और ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ही आती है। अगर आप सिंपली उसको लारे लगा रहे हो कि हाँ चलो 1 महीने बाद, नहीं सर 4 महीने तक हम एड्स रन कर रहे हैं, 4 महीने बाद रिजल्ट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसे अगर लग रहे हैं तो फिर उसका 2-3 महीने से रिजल्ट आ जाना चाहिए। इवन पेड एड्स में अगर आप स्पेशलिस्ट हो, अच्छे हो, तो पहले महीने से भी रिजल्ट आने स्टार्ट हो सकते हैं, 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आने स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं पता कैसे सीखें, क्या करें, तो आप मेरी edmfeed.com पर जा सकते हो और 1-on-1 सेशंस मेरे साथ बुक कर सकते हो। मैं आपको एक पर्सनलाइज प्लान बना के दूंगा इस डेमो सेशन में, बताऊंगा आगे आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको जॉब चाहिए, ड्रीम जॉब, या आप अपना पर्सनल बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली क्या क्या चैनल्स चाहिए, किस तरीके से यूनिट इकोनॉमिक्स बनाओगे, आपकी कस्टमर प्रोफाइल क्या होगी, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल या बायर पर्सोना क्या, ये सब चीज़ें मैं आपकी हेल्प करूँगा बनाने में। और उसके बाद फिर आप कैसे प्रोसीड करते हो, मेरे साथ करना चाहते हो या किसी और से सीखना चाहते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये चीज़ आप मेरे साथ कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर इन्हेंस करने में मदद करेगी, साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।